छात्र छात्राओं का भविष्य बनाने के लिए वैसे तो पढ़ाई बहुत जरूरी है, लेकिन जैसे कि देखा जा रहा है कोरोना दोबारा से लौट आया है, जिसको लेकर शासनादेश जारी हुआ था, जिसमें बोला गया है कि कोई भी इंटर या डिग्री कॉलेज नहीं खोला जाएगा और ना ही किसी छात्र छात्राओं को स्कूल कॉलेज बुलाया जाएगा। क्लास भी अगर चलनी है तो ऑनलाइन होगी और जो परीक्षा कराई जानी है वह भी ऑनलाइन कराई जा सकती है। लेकिन देखा जा रहा है कि जो डिग्री कॉलेज हिम्मती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं, जहां छात्र छात्राओं की परीक्षा ऑफलाइन कॉलेज में बुलाकर करा रहे हैं। छात्र छात्राएं परीक्षा खत्म हो जाने के बाद कॉलेज के गेट के बाहर खड़े हैं, उनको कोरोना का कोई डर ही नहीं है। वहीं कॉलेज प्रशासन अपनी आंखें बंद किए बैठा है। राज्य में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए भी लगातार कॉलेजों में परीक्षा कराई जा रही है और खुलकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आपको बता दें, कॉलेज परिसर में मीडिया के पहुंचने के बाद तहसील प्रशासन को सूचना दी गई और मौके पर पहुंचे रुड़की तहसीलदार ने कॉलेज के प्राचार्य को निर्देशित किया और कहा कि अभी कॉलेज को बंद किया जाए और जो परीक्षा कराई जा रही है वह आज से ही बंद हो जानी चाहिए। वहीं ASDM पूरन सिंह राणा ने बताया कि अगर ऐसा कोई कॉलेज आगे करेगा तो उसके खिलाफ SOP के अनुसार जो भी कार्रवाई होगी वह अमल में लाई जाएगी। देखिए, नेचुरल सी बात है, हमारी सरकार ने कोविड की प्रिवेंशन के लेने के लिए, जिसे कोविड ना फैले, इसके लिए गाइडलाइंस हमें भेजी है। वो पत्र हमें मिला है और हम उस पत्र का पूर्णतः अनुपालन भी कर रहे हैं जो हमारे स्तर से हो सकता है। फॉर एग्जांपल, BSc 1, BEd फर्स्ट सेमेस्टर, MSc फर्स्ट सेमेस्टर, इन सभी की जो पढ़ाई है, अध्यापन का कार्य है, कोई भी शिक्षक इसके लिए कॉलेज नहीं आ रहा है, सबको ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। लेकिन विश्वविद्यालय की तरफ से आयोजित अंतिम सेमेस्टर्स की परीक्षाएं ऑफलाइन चल रही हैं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शेड्यूल के अनुसार। अब उसमें हम खुद दुविधा में हैं, हम बार बार कॉन्टैक्ट कर रहे हैं विश्वविद्यालय से। आज भी मैंने मैडम वाइस चांसलर को भी व्हाट्सएप किया और इसकी सूचना दी। मैंने एग्ज़ाम कंट्रोलर से कई बार दूरभाष पर संपर्क करना चाहा, लेकिन उनका फ़ोन नहीं उठा। फिर मैंने परीक्षा नियंत्रक को भी व्हाट्सएप से इस चीज़ की सूचना दी। उसके पश्चात मैंने PA 2 वाइस चांसलर से उनका नंबर लेने के बाद मैडम को सूचना दी कि कृपया परीक्षाएं स्थगित करने हेतु हमें निर्देशित करें कि हमें आगे क्या करना है, क्योंकि हमें बच्चों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना है और हमें आपके आदेशों का भी और निर्देशों का भी पालन करना है। हमारे पास पत्र आया हुआ है और कल ही, जैसा मैंने आपको बताया था, हमारे यहाँ कल 2 परीक्षाएं थी जिसमें कुल 100 विद्यार्थी सम्मिलित थे। 42 स्टूडेंट्स BEd के थे और 28 स्टूडेंट्स कंप्यूटर के थे, फिफ्थ सेमेस्टर के। तो उन सभी ने, यानी 100 बच्चों ने परीक्षाएं दी कल। तो अब उन बच्चों ने जो परीक्षाएं दी हैं, वो यूनिवर्सिटी ने पेपर भी हमें कल भेजा कंप्यूटर के बच्चों का। आज कितने बच्चे आ रखे थे? आज हमारे यहाँ BSc फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का स्किल का पेपर था, जिसमें लगभग, मैं पूरा तो डेटा आपको अभी मेरे पास कागज साइन होने के लिए आएंगे, उनसे देख के बताऊंगी, लगभग 350 बच्चे थे। तो जो शासन जो किसने जी हाँ, हमने अपने महाविद्यालय में शत प्रतिशत उसका पालन करने के लिए पूरी पूरी कोशिश की है। महाविद्यालय गेट पर सैनिटाइजर मशीन्स रखी हुई हैं, थर्मल स्कैनिंग हुई है बच्चों की, और जो कक्षाओं में सिटिंग अरेंजमेंट है वो भी हमने 2 गज की दूरी को ध्यान में रखते हुए बच्चों को दूर दूर बिठाया है। SOP के अंदर चकराया जा रही है जी, ये हम बाध्य हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल कराना नहीं चाहती, ना कोई
हम नियमों को उल्लंघन करना चाहते हैं। जब हम अध्यापन का कार्य ऑनलाइन करते हैं तो यदि हमें विश्वविद्यालय निर्देशित करे कि ये परीक्षाएं आप मत कराइए, आप असाइनमेंट के थ्रू कराइए, आप स्थगित करिए, आप बाद में करिए, तो क्या माने शासनादेश बड़ा है या यूनिवर्सिटी कॉलेज बड़ा है? नो डाउट शासनादेश बहुत बड़ा है, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा प्रमुखता से हमें बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और ये ध्यान रखना है कि कोविड ना फैले। एक बात और बता, हमने तहसीलदार साहब के पहुंचने के तुरंत बाद ही पेपर तो हमारे यहाँ खत्म हो गया, परीक्षा हो गई और हमने बच्चों को लाइन बना के SOP का पालन करते हुए भेज दिया। और जैसे ही यूनिवर्सिटी से हमें कोई भी सूचना मिलती है हम उसको ऑनलाइन डाल देंगे, वो वेबसाइट पर भी, और बच्चों को ग्रुप्स के माध्यम से भी सूचित करेंगे कि कोई परीक्षा नहीं होगी। तो कल परीक्षा कराई जाएगी या नहीं कराएगी? हमें 100% उम्मीद है, क्योंकि मुझे अभी पता चला है विश्वसनीय सूत्रों से कि VC मैडम जो है एक मीटिंग में बैठी है यूनिवर्सिटी में, और वो मीटिंग इन्हीं परीक्षाओं को कैंसिल करने या पोस्टपोन करने संबंधित है। तो उस मीटिंग का मैं ऐसा समझती हूँ कि घंटे दो घंटे में हमें कोई मिनट्स आ जाएंगे और उसके बाद हम ये परीक्षाएं नहीं कराएंगे, उनके निर्देशों के अनुसार ही हम कार्य करेंगे। देखिए आपकी बात बिल्कुल सही हो सकती है, मैं काटूंगी नहीं। महाविद्यालय कैंपस में हम पर हमारे पास जितना भी उपलब्ध स्टाफ है वो अपनी कोशिश कर सकता है। जैसे आप तीन लोग भी बैठे हैं तो मैं कहूँगी दूर दूर बैठिए, लेकिन जब इतने ज़्यादा बच्चे कॉलेज से निकलने के बाद, ये स्वाभाविक है, ये बच्चों की प्रवृत्ति होती है, वो बाहर जाके एक दूसरे से पूछते हैं तुम्हारा पेपर कैसा हुआ या जो भी वो बात करते हैं। हम कॉलेज के अंदर तो नियंत्रण कर सकते हैं लेकिन कॉलेज के बाहर कैसे करें, इसमें हमारी असमर्थता है। लेकिन हम बच्चों को पूरी तरह समझा रहे हैं कि कृपया आप अपने घर तक दूरी बनाकर ही जाइए, आपको कोरोना नहीं होना चाहिए ना इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। देखिए जो शासन के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है, जो SOP है, तो उसमें ये क्लियर डायरेक्शन है जितने भी एजुकेशनल हमारे इंस्टीट्यूट है, चाहे गवर्नमेंट है चाहे प्राइवेट है, तो इसमें ऑफलाइन बिल्कुल बंद किया गया है, चाहे हाई स्कूल है, इंटर है, डिग्री कॉलेज है एंड पॉलिटेक्निक कॉलेज है, तो इसमें ऑफलाइन बिल्कुल बंद रहेगा। हाँ, ऑनलाइन अपना इंस्टीट्यूट जो भी उनका एग्ज़ाम है या स्टडी है अलाउ कर सकते हैं। तो इसमें कुछ इश्यूज सामने आए हैं जिसमें कि कुछ लोगों का कहना था कि जैसे DAV है और अन्य जो स्टूडेंट हैं यहाँ पर, उनका कहना यह था कि यूनिवर्सिटी के द्वारा ये डायरेक्शन दिए गए थे कि 25 तक अपना जो भी प्रैक्टिकल है या जो एग्ज़ाम उसको करवा लें, तो सभी को एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं। जहाँ इस तरह के मैटर सामने आए थे कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो ऑर्डर है उसके अनुसार बिल्कुल बन रहे, और अगर किसी व्यक्ति के द्वारा उसका पालन नहीं किया जाता है और अवहेलना की जाती है तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि सर आपको अवगत कराया गया रह जाएगी आगे? नहीं, उनसे टेलीफोनिक की मेरी वार्ता भी हुई है और मौके में तहसीलदार और पुलिस को भी भेजा गया है, इमीडिएटली तो उसको बंद करवा दिया गया है। और फर्दर ये सभी को क्लियर मैसेज है कि कोई भी ऑफलाइन कंडक्ट नहीं करवाया गया किसी प्रकार का कोई एग्ज़ाम, तो सभी के द्वारा आश्वासन भी दिया गया कि इसका पूर्ण पालन किया जाएगा। किसी व्यक्ति के द्वारा अगर कोई चीज़ रिपीट की जाती है तो उसके खिलाफ आपदा और डिजीज एक्ट में मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। शासन देश के भी जो गाइडलाइन कर रहा है कॉलेज प्रशासन? नहीं, देखिए उनके द्वारा कुछ लोगों का कहना था कि यूनिवर्सिटी के द्वारा हमें ये डायरेक्शन दिए गए हैं और कुछ लोगों के पास SOP शायद उनको प्रॉपर मैसेज नहीं हो पाया था, तो ये सबको अनाउंसमेंट भी करवा दिया गया है पूरे शहर में एंड जितने भी डिग्री कॉलेज इत्यादि उनको भी मैसेज दे दिया गया है। तो शासन से यूनिवर्सिटी के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? नहीं, देखिए अभी तो क्योंकि प्रकरण सामने आया था तो उनके द्वारा उसको अलाउ उनके द्वारा माना भी गया है, इमीडिएटली उनके द्वारा बंद करवा दिया गया है। बाकी बार बार कोई रिपीट करता है तो वो कार्रवाई।